अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं। तो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज हमने इसकी पढ़नी है करेक्टरिस्टिक्स, या हम इनको प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो देख, हर चीज की कुछ ना कुछ खसूसियात होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट की भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्केलर, पहली करेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका प्रूव किया था, ठीक है। फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हमने प्रूव किया था, ठीक है। बी डॉट ए इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है वो राइट हैंड सेम है इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट इज कमोटेटिव, ठीक है। तो ये हमारी पहली करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। के जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं ना, परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से होते हैं जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। ये जहां पर मैं फोकस करवा रहा हूं, ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ठीक है, कि जिन दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 होता है। तो अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो स्केलर प्रोडक्ट का आंसर जीरो आएगा। कैसे जीरो आता है हम देखते हैं। ए और बी हमारे पास दो वेक्टर है, तो ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। तो थीटा के बराबर हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। तो कॉस 90 का आंसर क्या होता है, जीरो। आप मैथ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कॉस 90 के बराबर हम क्या पुट करेंगे, जीरो। तो ए बी का आंसर, ए बी इंटू जीरो तो इक्वल किस का देगा, जीरो। तो ए डॉट बी इक्वल जीरो। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो स्केलर प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, कि ए डॉट बी जो है वो उस एक जीरो के इक्वल कब होगा, तो जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के केस में हम देखते हैं कि अगर दो यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो फिर हमें स्केलर प्रोडक्ट का आंसर क्या मिलेगा। देखें, आई डॉट जे, आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर। आई का मैग्नीट्यूड हमें पता है वन होता है, जे का भी क्या होता है, वन होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है। और आई किस एक्सिस के लॉन्ग होता है, एक्स के, और जे वाई एक्सिस के। तो हमें पता है एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो कॉस 90 बनेगा, तो कॉस 90 का आंसर क्या होता है, जीरो। तो आई डॉट जे का आंसर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। समझ आई बात क्या नहीं, कि एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो जीरो डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है। हम टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करते हैं जे डॉट के। जे किसको शो कर रहा है, वाई एक्सिस को, और के किसको शो कर रहा है, जी एक्सिस को। तो जे डॉट के, जे का मैग्नीट्यूड वन, के का मैग्नीट्यूड वन, और इन दोनों के दरमियान भी एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। दो एक्सिस के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो कॉस 90 का आंसर जीरो, तो जे डॉट के का आंसर भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से के डॉट आई, के किसको शो कर रहा है, जी एक्सिस को, आई किसको शो कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो x और z एक्सिस के दरमियान भी एंगल क्या होता है, 90 होता है। हम रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो k का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड 1, तो cos 90, ठीक है, cos 90 का आंसर 0, तो k डॉट i का आंसर भी 0। तो हेंस i डॉट j इक्वल j डॉट k इक्वल k डॉट i, तीनों का आंसर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जहां पर आई डॉट जे आएगा आप जीरो पुट करेंगे, जहां पर जे डॉट के आएगा वहां पर भी आप जीरो पुट करेंगे, जहां पर के डॉट लिखा है, के डॉट आई लिखाएगा वहां पर भी हम जीरो पुट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब हम देखते हैं कि अगर दो वैक्टर पैरल हो तो फिर हमारा स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है। देखिये, ये जो मैं फोकस कर रहा हूं जहां पर ये दो पैरल वैक्टर है, ठीक है, कि जहां पर मैं फोकस करवा रहा हूं, ये हमारे जो है दोनों पैरेलल वेक्टर है। इन दोनों में एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, जीरो डिग्री बन रहा है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर में। तो अब थीटा जीरो होगा, ए डॉट बी कॉस थीटा, तो थीटा के बराबर जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो का आंसर वन होता है, ठीक है, हमें पता है। तो कॉस जीरो के बराबर हम वन पुट करेंगे, तो ए डॉट बी का आंसर किसके बोला जाएगा, ए बी के।
तो इसको हम क्या लिखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, कि दो पैरेलल वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब पैरेलल वेक्टर के लिए भी हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे, आई डॉट आई, मतलब दोनों आपके जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। तो अब दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, जीरो डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो कॉस जीरो का आंसर क्या आएगा, वन, तो आई डॉट आई का आंसर भी वन। ये वन कहां से आया, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड वन होता है, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड भी वन। इस तरीके से जे डॉट जे, अब हमारे दोनों वेक्टर किस एक्सिस के लॉन्ग हैं, क्या शो करवा रहे हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, कॉस जीरो डिग्री बनेगा, ठीक है। तो कॉस जीरो का आंसर क्या होता है, वन। तो जे डॉट जे का आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से के डॉट के, अब तीनों वेक्टर दोनों वेक्टर जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, क्योंकि के यूनिट वेक्टर जो है वो हम जेड एक्सिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब अब दोनों वेक्टर जो है वो फिर सेम डायरेक्शन में है, तो के डॉट के इक्वल टू वन, के का मैग्नीट्यूड नेक्स्ट वन, के का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का आंसर क्या होता है, वन। तो सारा जो है वो हमारे पास के डॉट के इज इक्वल टू वन आ जाएगा। हेंस आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल वन। जहां पर आई डॉट आई आएगा वहां पर हम वन लिखेंगे, जहां पर जे डॉट जे आएगा वहां पर वन लिखेंगे, जहां पर के डॉट के आएगा वहां पर हम वन लिखेंगे। नेक्स्ट हम अभी लास्ट करेक्टरिस्टिक्स में ये क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, वहां पर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर, तो जो बेटा दो एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं उनमें एंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ये देखिए जहां पर मैं फोकस करवा रहा हूं नीचे, ये दो वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनमें एंगल 180 डिग्री होता है, और हमको बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ये दो वेक्टर हमारे जो है वो एंटी पैरेलल है। तो ए बी कॉस 180 डिग्री बनेगा ना, थीटा जब हम 180 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है पांचवी, कि अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लें एक वेक्टर का, देखना एक वेक्टर आपके पास फॉर एग्जांपल ए है, वो एक्स एक्सिस में के लॉन्ग है, अगर हम उसका सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्ट लेने का मतलब ये है कि फिर हम वही वेक्टर लें, पहले ए हमारे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, फिर हम दूसरा ए वेक्टर लें और दूसरा भी उसी डायरेक्शन में आएगा। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, कि अगर आप किसी भी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लें मगर जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उसी डायरेक्शन में फिर आप उसी जैसा एक और वेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है। तो दोनों में एंगल क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ए डॉट ए, ए का मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट ए का ये मैग्नीट्यूड, कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का आंसर वन होता है। जब हम वन पुट करेंगे तो ए ए जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ए स्केयर बन जाएगा। तो ए डॉट ए का आंसर किसके को आ जाएगा, ए स्केयर, ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो ये सेल्फ प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर हो ए और बी, ठीक है, अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें रिक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में, रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास हम कंसीडर करते हैं कि ए वेक्टर है, उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए एक्स आई, वाई एक्सिस के लॉन्ग ए वाई जे, और जेड एक्सिस के लॉन्ग ए वाई। तो अब हमने ए डॉट बी जो करना है, ठीक है, ए के जो कंपोनेंट्स है वो लिखेंगे, डॉट लगाएंगे दरमियान में, फिर बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। ये डॉट लाजमी लगाना है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन ही डालना, ये डॉट है, ये स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे इन बी के तीनों वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, क्योंकि दोनों के साथ आई है, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ठीक है, क्योंकि बी वाई के साथ जे है, ए एक्स बी जेड I डॉट k, ठीक है। इसी तरीके से ए जेड को हम मल्टीप्लाई, सॉरी ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे b के तीनों कॉम्पोनेंट्स के साथ, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई बन जाएगा, ए वाई बी वाई जे डॉट जे बन जाएगा, ए वाई बी जेड जे डॉट k बन जाएगा, ठीक है। अब ए जेड, तो ए जेड बी एक्स के डॉट आई बन जाएगा, ठीक है, ए जेड बी वाई के डॉट जे बन जाएगा, ए जेड बी जेड के डॉट k। अब दो प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस अभी पढ़ी हैं कि जहां पर आई डॉट आई आई या जे डॉट जे आई या के डॉट ए के आई हम वन लिखेंगे, और जहां पर दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो जैसे आई डॉट जे है, जे डॉट के या के डॉट आई, वहां पर हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं,
ठीक है, ए डॉट बी वाली में ए डॉट बी इज इक्वल टू, देखिए आई डॉट आई का आंसर वन, तो यहां पर इसके अब हम वन लिखेंगे, जे आई डॉट जे का आंसर जीरो तो यहां पर जीरो लिखेंगे, आई डॉट के का आंसर जीरो तो यहां पर भी जीरो लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जे डॉट आई का आंसर भी हमारे पास, अगर आई डॉट जे जीरो तो जे डॉट आई भी जीरो है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, यहां पर भी हम जीरो लिखेंगे। जे डॉट जे वन वन लिखेंगे, जे डॉट के जीरो लिखेंगे क्योंकि जे डॉट के का आंसर जीरो है, ठीक है। के डॉट आई जीरो लिखेंगे क्योंकि आई डॉट के डॉट आई का आंसर हमारे पास क्या है, जीरो है, ठीक है। के डॉट जे जीरो लिखेंगे क्योंकि जे डॉट के का आंसर जीरो, तो के डॉट जे का आंसर भी जीरो है क्योंकि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ए जेड बी जेड के डॉट के की जगह पर हम वन लिखेंगे। देखिए जिनके साथ जीरो आ रहे हैं वो तो वैल्यूज खत्म हो जाएंगे क्योंकि जीरो जिससे मल्टीप्लाई होता है उसको जीरो कर देता है। ए एक्स बी एक्स प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये मिलेगा हमें प्लस ए वाई बी वाई, ये भी जीरो, ये भी जीरो, नेक्स्ट फिर जीरो और प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। देखें स्केलर प्रोडक्ट हमने स्टार्ट में बात की थी, हमें कब मिलता है अगर दो वेक्टर जो है वो स्केलर सेम डायरेक्शन में हो फिर हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हेन स्केलर प्रोडक्ट हैज मिनिमम वैल्यू। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे उनके दरमियान एंगल जीरो डिग्री होगा तो आपका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। अगर आपके दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो आपका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो आपको मिनिमम या जीरो वैल्यू देगा। ये आपसे एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। देखिए ये आंसर भी सेम डायरेक्शन में है, ए एक्स बी एक्स कंपोनेंट दोनों एक्स एक्सेस पे है, ए वाई बी वाई दोनों वाई एक्सेस पे है, ए जेड बी जेड दोनों जेड एक्सेस पे है। अब ए डॉट बी को एक्सपेंड करें, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ठीक है, बाकी ऐसे लिखेंगे हम इस इक्वेशन को। एंगल फाइंड करने के लिए कॉस थीटा ए बी जो है वो डिवाइड हो जाएगा नीचे आके, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप सारा लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो वर्क एग्जाम्पल दी हुई है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्क होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें वर्क मिलता है। क्यों डॉट प्रोडक्ट लेते हैं देख लेते हैं। देखिए बच्चे ये ब्लॉक बनाया हुआ है, इस ब्लॉक के ऊपर मैं जैसे मर्जी फोर्स लगाऊं, चाहे जीरो डिग्री पे लगाऊं, चाहे टेन पे लगाऊं, चाहे फिफ्टी पे लगाऊं, नाइन्टी से नीचे नीचे, ठीक है, तो मैं क्या देखता हूं कि ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाएगा। देखिए हम अपने घर में अगर किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएं या किसी चीज को धक्का लगाएं तो वो चीज जिस मर्जी फोर्स के साथ हम उसके ऊपर जो है जिस मर्जी एंगल के साथ हम उसको धक्का लगाएं तो वो चीज हमेशा आगे की तरफ जाती है, हॉरिजॉन्टली चलती है, जमीन के ऊपर चलती है। जमीन के ऊपर चलने का मतलब यह है कि वो चीज हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। देखिए ब्लॉक के ऊपर यहां पर जो हमने फोर्स शो की है वो 30 डिग्री के एंगल पे फॉर एग्जांपल शो की है। अगर मैं 30 डिग्री के एंगल पे इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो मैं क्या देखता हूं, फोर्स मैं 30 के एंगल पे लगा रहा हूं, फोर्स वेक्टर ये बन रहा है जो शो किया हुआ है, ब्लॉक हमारा सीधा मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव कर रहा है ना, फोर्स का तो ये कंपोनेंट फोर्स वेक्टर तो ये बन रहा है ना 30 डिग्री के एंगल पे, तो ये फिर डायग्राम वही बन रही है ना जो हमने प्रोजेक्शन फाइंड किए थे ए ऑन बी या बी ऑन ए। तो फिर मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ना इस फोर्स की वजह से, तो हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट में हम इसको रिजोल्व कर देंगे अपने अंडरस्टैंडिंग में। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, दूसरा वर्टिकल, ठीक है। तो फिर ये जो फोर्स लग रही है 30 डिग्री के एंगल पे इस ब्लॉक के ऊपर, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये हमारा ब्लॉक जो है वो सीधा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। मेजर चीज हमारे पास फोर्स है और उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। हम पढ़ चुके हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है और वर्टिकल एफ साइन थीटा होता है, तो उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये हमारा ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले एफ कॉस थीटा, ठीक है, और फिर डी जिस डायरेक्शन में ये हमारा ब्लॉक मूव कर रहा है। देखिए अब फोर्स का भी कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में बन गया और डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन है, ऐसे ही होता है ना, हम किसी भी चीज को धक्का लगाएं तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसे ट्रेवल करती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। कि अगर हम किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाएं, हम जिस भी एंगल से लगाएं, 30 से लगाएं या 40 पे लगाएं, तो वो चीज हॉरिजॉन्टल जाती है। हमें ये नजर आ रहा होता है कि हो सकता फोर्स भी इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लग रही हो और ये जा भी हॉरिजॉन्टल लग रही है,
तो वो फोर्स का, हमारी फोर्स का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है जो उसको, उस बॉडी को हॉरिजेंटल लेके जा रहा होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। अब यहां पर देखें एफ कॉस थीटा और डी जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिखेंगे, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, के फोर्स का वो कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, फिर हमारा बॉडी हॉरिजेंटल मूव करेगा एंड डिस्प्लेसमेंट मूव। तो वो कंपोनेंट कौन सा, एफ कॉस थीटा इनटू डी, एफ डी कॉस थीटा, अब कॉस थीटा आ गया, जैसे हम ए बी कॉस थीटा लिखते हैं ए डॉट बी, इस तरीके से एफ डी कॉस थीटा जो है एफ डॉट डी, तो ये वर्क इक्वल होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई वर्क इज अ स्केलर, एक तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्क जो है वो स्केलर क्यों है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से हमें मिलता है, ठीक है, क्यों डॉट प्रोडक्ट से मिलता है ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हम फोर्स जिस एंगल से भी लगाएं तो हमारा बॉडी जो है वो हॉरिजेंटल ट्रेवल करता है। अब दूसरी एग्जांपल है, इसको जैसा आपने अंडरस्टैंड करना है कि फोर्स और वेलोसिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो पावर के इक्वल होता है, जिसको आपने समझना है और एक्सप्लेन करके लिखना है, अगर आपसे एग्जांपल पूछना है तो वो वर्क है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज बेटा, इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, करेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट।